दोस्तों, मैं गाजीपुर से और वो देख ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश। है महिला या सुअर को तुम्हारे दोनों वास्ते है। मुझे वो चीज नहीं भूल रही। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे एक ही गुजारिश है, एक ही गुजारिश है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि कहीं भी मेरी बात वो सुनेंगे तो मुझे न्याय मिलेगा। ये देखिए सर, सब झूठ लगा, काला सब पड़ गया था। दोनों आज को बुरी तरह घसीट के आइट के हमको ले जा रही थी। तब बाबा ने बच्ची चिल्ला चिल्ला रो के बोलने लगी, मम्मी तुम चली जाओ, अंदर तुम चली जाओ। अधिकार में ये जानना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरा दोष कहाँ है? सिर्फ मुझे ये बताया जाए मेरी गलती कहाँ है, मुझे किस गलती की सजा मिली है, मुझे किस गलती की सजा मिली। इतना बड़ा क्रिमिनल एसके दत्ता तो अभी भी यहाँ पर है। योगी जी, मुझे आपसे ये पूछना, इस गुंडे को आपने क्यों नहीं खत्म किया? इस गुंडे को आपने क्यों नहीं खत्म तह तक जाए बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने आप देख रहे हैं, लोग देखते हैं, मगर आना क्यों रहते हैं? न्याय होना चाहिए, इसके तह तक जरूर जाना चाहिए। मैं चाहूंगा इसे देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया जरूर। वंदना दीदी जी ने हमारी जो लगाया वो गलत लगाया है। एक्चुअली ये हमारा मुकदमा चल रहा था, सन 2013 का मामला था। अरविंद कुमार गुप्ता जी, जिनकी दुकान थी परीलोक, तो ये हमको ना किराया देते थे, ना इनका एग्रीमेंट भी हमारा ख़त्म हो चुका था, रिन्यूअल भी नहीं करवाया, ना किराया देते थे। तो हमने एक मुकदमा 2013 में दाखिल किया इनके खिलाफ, तो जिसकी सफलता हमको 2022 8 मार्च अप्रैल को प्राप्त हुई। तो जिससे अमीन द्वारा हमको ये कानून, ये कोर्ट का आदेश है जिसको आप देख सकते हैं, ये कोर्ट का आदेश है दुकान खाली करना और जो हमारा जो किराया जो इनका बाकी है उसको भी वसूलने का काम अमीन का है। तो ये अमीन साहब ने 18 तारीख को ये कार्रवाई किया। पहले तो गए उनसे प्यार मोहब्बत से बोला गया कि आप दुकान खाली कर दीजिए और मकान मालिक को दुकान सौंप दीजिए। तो वो लोग थोड़ा सा लेडीज का मामला था, वो थोड़ा सा अदाब सना भी हुआ। तो अमीन का एक प्रोसेस होता है कि वो कोतवाल को एक लेटर देके पुलिस बल लेगा जो आपका शांति भंग ना, उसके कारण पुलिस बल लिया गया। पुलिस बल लेने के बाद हम लोग 3 घंटा ये दुकान खाली करवाने में हम लोग को 3-3.5 घंटा का समय लगा। उनसे प्रार्थना हुई क्योंकि पुलिस बल सिर्फ शांति भंग ना उसके लिए होती है। ये वंदना गुप्ता आ गई उसमें इंटरफेयर करने। इनका हमारे कोई दुकान नहीं है, इनकी दुकान इनकी माँ के नाम पे है और इनके छोटे भाई कुंदन गुप्ता के नाम पे है। ये वो भी दुकान कब्जा रखी हुई है, ये खुद चलाती है स्वयं, इनसे हमारा कोई अनुबंध नहीं है।